बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं दो किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराए पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़ तरवाना रोड सिवान, डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888 9934991587। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर के तमाम घाटों पर सिवान के सदर एसडीएम रामबाबू बैठा और शांति समिति के तमाम लोग यहां पे निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि हम आपको सिवान के पुलवा घाट, शिवव्रत सा छठ घाट और कई इलाकों से हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी और शांति समिति के तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं। अब ये मौजूद हैं सिवान के शिवव्रत सा छठ घाट पर, आप देख सकते हैं, ताकि साफ सफाई अच्छी तरीके से हो, तमाम तरह के निर्देश भी दे रहे हैं, जो कि सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं। लगातार दौरा जारी है, लोक आस्था का महान पर्व है और इस घाट पर तमाम छठ व्रती जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर आती हैं और इस महात्यौहार को सम्पन्न कराया जाता है। तो लगातार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि जिले में छठ पर्व को संपन्न कराया जाए अच्छे तरीके से और इसको लेकर के व्यवस्था किस तरीके से होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सदर एसडीपीओ भी यहां पे मौजूद हैं और तमाम शांति समिति के लोग भी मौजूद हैं, सिवान सदर एसडीएम भी मौजूद हैं, कई यहां पे पार्षद भी मौजूद हैं और तमाम सिवान के कई बुद्धिजीवी, चाहे वो दोनों कौम के लोग आप देख सकते हैं, जो शांति समिति के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एसडीओ साहब के साथ जायजा ले रहे हैं, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बैरिकेटिंग से लेकर के और किस तरीके से घाटों को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर एसडीओ साहब से बातचीत होगी। वो बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे घाट पे व्यवस्था इस बार की जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार हम घाटों से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे, हालांकि साफ़ सफाई अभी थोड़ी सी कमी है, लेकिन नगर परिषद पुलवा घाट की तरफ से साफ़ सफाई की व्यवस्था करा दी है, सफाई चल रही है और ऐसे में ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कई तरह के निर्देश भी दे रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे छठ घाटों का दौरा जो चल रहा है, तमाम अधिकारियों का, शांति समिति के लोगों का, और ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि कैसे घाटों को सुंदर तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए और किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल बारीकी के साथ देखा जा रहा है कि घाटों पे किस तरीके से यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरीके का तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, और तमाम तरह के यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार आपको हम एटीएन लाइव पर दिखा रहे हैं, अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। सुधीर जायसवाल भी हैं, प्रवीण कुमार गोप भी हैं, दयानंद जी भी हैं और बहुत सारे लोग, कलीम जी हैं, तमाम लोग, इंतखाब जी हैं, प्रोफेसर इसरार अहमद हैं, मुमताज़ जी हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे दिशा निर्देश दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि इस बार त्यौहार जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक वातावरण में सम्पन्न हो। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स बरहरिया रोड सिवान, ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किस्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं, आज ही चलें न्यू भारत बाजार, श्रीनगर मैरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992। BMP Max Memorial Multi Speciality Hospital, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है,
डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ट रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथीभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। और साफ सफाई को लेकर के अधिकारी भी चाहते हैं कि घाटों पे बिल्कुल साफ सफाई हो, ताकि स्वच्छता के बीच इस महापर्व को संपन्न कराया जा सके। के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा और SDPO हैं यहाँ पे अशोक कुमार आजाद, ये तमाम लोग हैं। इन लोग से हम बात भी करेंगे कि मुआयना कर रहे हैं क्या कुछ यहाँ पे कमियां या फिर क्या किस तरीके से इस बार महापर्व छठ को संपन्न कराएं। रेलवे जाना पड़ेगा। लगातार जायजा करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के सदर SDM सर, लगातार कई घाटों का आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ इस बार तैयारी है जिला प्रशासन की छठ को लेकर? इस बार विशेष तैयारी कर रहे हैं, वो इंट्री एग्जिट एक रास्ते से होगी और सभी घाटों को ब्लॉक वाइज बांटेंगे ताकि भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। वॉच टावर रहेंगे, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, CCTV लगाए जा रहे हैं, गोताखोर रहेंगे, SDRF की भी कंपनी आ रही है, पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से की जाएगी छठ पूजा। मतलब कि जो बैरिकेडिंग होगी वो किस तरह की इस बार, कुछ इसलिए कि इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ हो सकती है? हाँ, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए, मेरा जो है जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ से सीधा रास्ता एक पैसेज में जाएगा। अब पैसेज के दोनों किनारे घाट को ब्लॉकिंग किया जाएगा, घाट को एक नंबरिंग किया जाएगा, कुछ घाट पर लोग जाएंगे। पहले होता था कि ओपन घाट हुआ करता था, कोई भी कहीं से आ जाया करता था, गैदरिंग हो जाती थी, उसको रोकने के लिए इस बार एंट्री एग्जिट एक बनाया जा रहा है, पैसेज बनाया जा रहा है, उस पैसेज के किनारे दोनों तरफ घाट को ब्लॉक के रूप में छोटे छोटे घाट का निर्माण किया जा रहा है। और सर कुछ लाइटिंग को लेकर के या फिर कुछ कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम होगा, ऑन साइड कंट्रोल रूम रहेगा, मेरा मंडल प्रशासन की तरफ से CCTV रहेंगे, मजिस्ट्रेट फोर्स रहेंगे, सारी व्यवस्था। सर के सर कई ऐसे इलाके हैं जो अंधेरे में रहते हैं, तो वहाँ लाइटिंग किया? वो जहाँ भी घाट है, रेनुआ हो, पगवलिया हो, महादेवा हो, हर जगह हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। और गोताखोर ये सब कुछ बोट? गोताखोर हाँ हाँ व्यवस्था की गई है, स्थानीय गोताखोर भी है, SDRF भी लगाई जा रही है, सब सारी व्यवस्था। पानी का लेवल सर नदी में कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे अर्थ देने के लिए कुछ बांसों की बैरिकेटिंग कराई जा रही है, बैरिकेटिंग कर सब निर्देश दे दिए? सब दे दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सिवान जिले के लोगों से इस त्यौहार को? बहुत बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक पर्व है और ये समाज को जोड़ने वाला पर्व है और ये ऐसा पर्व है जो सब कुछ भूल करके और केवल छठ पर्व में लीन हो जाते हैं लोग, होपफुल की बढ़िया से लोग निकालेंगे। सुधीर जायसवाल जी भी हैं, गोप जी भी हैं, क्या कहेंगे सुधीर जी आज आप लोग? चूंकि विगत 2 वर्षों से कोविड को लेकर लोगों का आना जाना छठ घाट के ऊपर बहुत कम हुआ था, मगर इस बार कोविड नहीं है इसलिए काफ़ी महिलाओं का, इस बार श्रद्धालुओं का भीड़ इकट्ठा होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन, शांति समिति और केंद्रीय अखाड़ा समिति सभी लोग काफ़ी सजग हैं और इस बार कुछ अलग से व्यवस्था प्रशासन की तरफ से हो रही है, जो सिवान की जनता को किसी तरह का सहयोग महसूस न हो इसके लिए जिला प्रशासन एक इस बार माने अद्भुत व्यवस्था प्रशासन की तरफ से इस बार हो रहा है। समिति की तरफ से भी कुछ आप लोग चाहेंगे, वो लोग भी कुछ हेल्प करें, मदद? बिल्कुल, समिति के लोग भी मदद करेंगे। कल हम सिवान में जितनी भी समितियां हैं उनकी बैठक कल सिवरसा के मंदिर पर कल हम शाम को 5 बजे बुलाए हैं, ताकि शहर का कोई भी गली हो, कोई भी सड़क हो, वो सफाई से वंचित ना हो और अंधेरे में कोई रह न जाए, व्यवस्था अच्छी हो, किसी महिला को किसी तरह की सुविधा ना हो, इसके लिए कल की बैठक हम लोग बुलाए। क्या कहेंगे? इस बार संख्या अधिक बढ़ेगा और संख्या की स्थिति देते हुए जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन विशेष रूप से छठ व्रतियों के लिए और सिवान की जनता के लिए प्रयास कर रहा है
और शांति समिति के लोग, केंद्रीय अखाड़ा समिति के लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार का व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अनुमंडल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, मैं निश्चित समझता हूँ कि यह सफल होगा और भीड़ कंट्रोल रहेगा। और मैं सिवान की जनता से अपेक्षा करता हूँ कि वो शांतिपूर्वक इस पर्व को मिलजुल कर संपन्न कराएं और जनता प्रशासन का सहयोग करें ताकि प्रशासन भी उनका सहयोग कर सके। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ घाटों पे व्यवस्था है। सिवान के सदर SDM से बातचीत हुई, सुधीर जायसवाल जो शांति समिति के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई, प्रमील कुमार गोप से बातचीत हुई। देखना होगा कि किस तरीके से इस बार जिला प्रशासन व्यवस्था कराती है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान, तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।